दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्मानी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय ओम ह्रीं दुन दुर्गाय नमः क्रीं कालिकाय नमः छां छौं बं भैरवाय नमः। दुर्गा सप्तशती एक चमत्कारिक पुस्तक है। श्रीमद् देवी भागवत कथा महापुराण के आज पांचवें दिन दुर्गा सप्तशती के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आप सभी बड़े बुजुर्गों से और पढ़े लिखे व्यक्तियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि अपने बच्चों को दुर्गा सप्तशती के रहस्य के बारे में अवश्य बताओ। चाहे ग्रह नक्षत्रों का दोष हो, चाहे कर्मों का दोष हो, चाहे पिछले जन्म के पाप कर्मों का फल हो, दुर्गा सप्तशती से हर चीज कट सकती है, बशर्ते कि रोजाना दुर्गा सप्तशती का पाठ करना प्रारंभ कर दे और जैसे ही 10 पाठ हो जाए एक पाठ का हवन कर दे। क्योंकि देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत दुर्गा सप्तशती के जो कहानियां हैं उसके अंदर उनका वर्णन श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में है। तो दुर्गा सप्तशती नामक किताब जो है यह एक चमत्कारिक किताब है, एक तांत्रिक किताब है। और जो व्यक्ति देवी जी का वरदान प्राप्त करना चाहता है उसे श्री दुर्गा सप्तशती नामक किताब का पाठ रोजाना करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती एक ऐसा वरदान है, एक ऐसा प्रसाद है, जो भी प्राणी इसे ग्रहण कर लेता है वह प्राणी धन्य हो जाता है। जैसे मछली का जीवन पानी में होता है, जैसे एक वृक्ष का जीवन उसके बीज में होता है, वैसे ही मां के भक्तों के लिए उनका जीवन, उनके प्राण दुर्गा सप्तशती में स्थित होते हैं। अब समझ गए होंगे आप कि मां भगवती जगत जननी किसी भी रूप में हो उसके प्राण दुर्गा सप्तशती में उपस्थित होते हैं। दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं, उसके पहले अर्गला कीलक कवच है, 32 नाम है, दुर्गा सप्तश्लोकी है। हर अध्याय का एक विशेष महत्व है और हर अध्याय का एक अलग उद्देश्य है। कोई सी भी देवी हो, चाहे काली मां हो, चाहे दुर्गा मां हो, किसी भी स्वरूप वाली हो, उनकी शक्तियों को जागृत करने के लिए ये दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। ओम ज्ञानी नाम अपी चेतांसी देवी भगवती हिंसा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रच्छति दुर्गे स्मृता हर्षि भीति विशेष जंतो स्वस्थ स्मृता मतिम दिम सुमाम ददासी दारिद्र दुग्भ निकात दन्य सर्वोपकार करना सदाचिता सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीना अर्थ परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय विस्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते रोगान शेषान पहन्ति तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामसितानां नवीपन्नरानां त्वामसिता राशयन्ता ब्रन्ति सर्वाधा प्रश्वनं ते लोकसाखिलेश्वरी एमे त्वाकारमत्नुद्वेरी विनाशिनम। तो ये दुर्गा सप्त श्लोकी कहलाती है। 9 श्लोक अवश्य है परंतु ये दुर्गा सप्त श्लोकी है। इस सप्त श्लोकी में पूरी दुर्गा जी के जो 13 अध्याय हैं उनको समाहित किया गया है। दुर्गा सप्तशती की किताब में दुर्गा जी के 108 नाम भी दिए गए हैं। जो व्यक्ति इन 108 नामों का भी रोजाना पाठन पठन करता हो उसके ऊपर देवी का वरदान अवश्य प्राप्त होता है।
और जो मनुष्य दुर्गा जी के 32 नाम इनका भी रोजाना पाठ करता हो उसको भी दुर्गा जी का वरदान प्राप्त हो जाता है। और एक तांत्रिक मंत्र है जिसको कुंजी का स्त्रोत कहा जाता है, इसका रोजाना पाठ करने से भी दुर्गा जी का काली जी का आपको विशेष वरदान प्राप्त हो जाता है। तो अर्गला कीलक कवच इनका भी पाठ करना चाहिए जिससे आपका शरीर फौलादी हो सकता है, दुश्मनों का स्वतः नाश हो जाता है। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं दुर्गा सप्तशती जो है कोई भी देवी जी है उस देवी जी के प्राण इस दुर्गा सप्तशती में बसते हैं। तो मार्कंडेय पुराण में वर्णित चमत्कारिक देवी महात्म्य में मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन किया गया है। इसे स्वयं ब्रह्मा जी ने मनुष्यों की रक्षा के लिए बेहद गुप्त और परम उपयोगी मनुष्य का कल्याणकारी देवी कवच बताया है। यानी जो मनुष्य अपने शत्रुओं से बहुत ज्यादा पीड़ित हो ऐसे मनुष्य को रोजाना 2 घंटे केवल दुर्गा सप्तशती का पाठ करके बाहर निकलना चाहिए, उसके ऊपर कोई भी दुश्मन आपके ऊपर हमला नहीं कर सकता। स्वयं ब्रह्मदेव ने कहा है कि जो मनुष्य दुर्गा सप्तशती का पाठ करेगा वह परम सुख भोगेगा। यानी यदि आपको परम सुख चाहिए तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। तो जो जो मनुष्य हमसे यह प्रार्थना करते हैं पूछते हैं कि साहब हमने जिंदगी में सुख देखा ही नहीं तो सुख कैसे प्राप्त किया जाए, तो आप कोई भी टोना टोटका मत करो, किसी की बातों में मत आओ, किसी के पास मत जाइए और रोजाना घर के अंदर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। आपको परम सुख अवश्य प्राप्त होगा। यह अल्टीमेट उपाय है। बहुत सी माता बहनें हमारी परेशान रहती है कि साहब हमारे पति का धंधा नहीं चल रहा, हमारे पति देव काम पे जाते पर उन्हें काम नहीं मिलता, उनकी हर 6 महीने में नौकरी छूट जाती है, व्यवसाय करते हैं तो घाटा हो जाता है। तो मेरा उन सब माता बहनों से ये कहना है कि क्यों नहीं वो सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हमेशा जब तक इस शरीर के अंदर जान हो दुर्गा सप्तशती का पाठ करना प्रारंभ कर दे, हिंदी में का पाठ करना प्रारंभ कर दे, संस्कृत की कोई जरूरत नहीं है। तो उनको परम सुख प्राप्त होने लगेगा, उनके परिवार को परम सुख प्राप्त होने लगेगा, उनके बच्चों को सुख की प्राप्ति होने लगेगी। दुर्गा सप्तशती को शत चंडी, नव चंडी अथवा चंडी पाठ भी कहा जाता है। यानी दुर्गा सप्तशती की उस किताब के 13 अध्याय को यदि 100 बार पाठ कराते हैं तो शत चंडी कहा जाता है, और यदि 9 पाठ करवाते हैं तो 9 चंडी कहते हैं, और 1 बार यदि कोई पाठ करता है तो उसे चंडी पाठ कहा जाता है। ओम ह्रीम चंडी काय नमः, ओम ह्रीम दुर्गाय नमः, ओम नमः चंडी काय नमः। ये छोटे छोटे मंत्र भी इस दुर्गा सप्तशती में दिए गए हैं जो तांत्रिक मंत्र हैं। इनको बोलने मात्र से आपकी पापों का नाश होने लगता है और दुश्मन दूर होने लगते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती की किताब जो एक जागृत तंत्र की किताब है, जागृत तंत्र विज्ञान है। जिन जिन माता बहनों के पति का अच्छा काम नहीं चल रहा हो और जिनके परिवार के अंदर दुख हो, जिनके परिवार के अंदर रोग आते हो, जिनके ऊपर बार बार तंत्र विद्या का प्रभाव होते रहता हो और जिनको जो कार्य करते उन कार्य में रुकावटें बहुत ज्यादा आती हो, तो ऐसे परिवार की माता बहनों को श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ करना ही करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के यानी 4 बजे उठकर के स्नान ध्यान करने के बाद में घी का दीपक लगा करके मां भगवती दुर्गा दी के समक्ष दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, और पाठ करने के उपरांत एक नींबू के 2 टुकड़े करके उसके ऊपर
बतासे बतासे के ऊपर कपूर, कपूर के ऊपर दो लौंग रख देना चाहिए और आग लगा देना चाहिए कपूर के ऊपर, इसको भोग देना भी कहते हैं। तो इस प्रकार से माँ भगवती को भोग अवश्य दे दे। और यदि घर में सुख समृद्धि शांति चाहते हो, निरोगी काया चाहते हो और ऐश्वर्य चाहते हो, तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी और शुक्ल पक्ष की नवमी दोनों में से कोई भी एक दिन चॉइस कर ले, उस दिन नौ कन्याओं को मीठा भोजन कराना है। तो यह एक जागृत मंत्र विज्ञान है। दुर्गा सप्तशती के पाठ के श्लोकों का असर निश्चित रूप से होता है और तीव्र गति से इसका प्रभाव पड़ता है। इसमें ब्रह्मांड की तीव्र शक्तियों का ज्ञान छुपा हुआ है। यदि मनुष्य सही तरीके से और सही विधि से श्री दुर्गा सप्तशती को पढ़ लेता है तो मनुष्य के जीवन की समस्त परेशानियों का अंत सुनिश्चित होता है। तो आपके जीवन में यदि कष्ट की प्राप्ति हो रही हो तो श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ को रोजाना पाठ करना चाहिए और रोजाना हवन करना चाहिए। हर प्रकार की समस्या का अंत श्री दुर्गा सप्तशती है। तो दुर्गा सप्तशती का अध्याय एक से लेकर के 13 तक का पूरा वर्णन इसमें दिया गया है। और दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ करने पर चिंता, किसी भी प्रकार की मानसिक चिंता, यदि मानसिक विकार हो यानी कि मानसिक कष्ट हो तो दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का पाठ करना चाहिए। सभी मानसिक विचारों और दुश्चिंताओं से मुक्ति मिलती है, इंसान की चेतना भी जागृत होती है और विचारों को सही दशा मिलती है। किसी भी प्रकार के नेगेटिव विचार आप पर हावी नहीं हो सकते हैं। अतः दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय से आपको हर प्रकार की मानसिक चिंता से मुक्ति मिलती है, क्योंकि पहला अध्याय काली मां का अध्याय है। इसलिए काली मां की उपासना करने से, काली मां की प्रार्थना करने से, काली मां का मतलब स्तुति करने से, ओम खड़गम चक्र गदेशु चाप परिधा शूलंबु सुंडिम सिर शंखम संगधति करे सिनयना सर्वांग भूषाव्रता नीलाश मद्युतिमाश पाद दशकाम सेवे महाकालिकाम यामो अस्तो स्वपितो हरो कमलजो हन्तुम मधुम केटभम। ये मां भगवती काली मां की स्तुति है। इसको भी बोलने से आपके मानसिक चिंता, मानसिक विकार, मानसिक दुख, मानसिक कष्ट, इनसे आपको मुक्ति मिल सकती है। इसी प्रकार से 13 अध्याय हैं। हर अध्याय का अपना अपना महत्व है और जैसा अध्याय का पाठ आप जितनी बार कर सकते हो करिएगा, नहीं तो रोजाना पूरे 13 अध्याय का रोजाना पाठ करिए ताकि आपको जीवन में कष्ट की प्राप्ति ही नहीं हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या। हम रोजाना आपको एक एक दुर्गा सप्तशती के अध्याय का महत्व बताएंगे कि दूसरे अध्याय का पाठ करने से आपको क्या प्राप्त होगा, तीसरे अध्याय का पाठ करने से आपको क्या प्राप्त होगा, चौथे अध्याय का पाठ करने से आपको क्या प्राप्त होगा। जय माता दी।